आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें, उनका भी बड़ा बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कटाक्ष किया है और क्या बात कही है मैं आपको एक बार बता देता हूं। 10 साल तक नींद में सोए रहे भूपेंद्र हुड्डा, ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है। और ये भी आगे उन्होंने कहा कि अब उन्हें संकल्प याद आ रहे हैं। एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में उबाल नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया। सुनवाते हैं उनका बयान क्या था भूपेंद्र हुड्डा को लेकर। मैं तो बधाई देता हूं प्रवीणा को, जिसने देश का नाम रोशन किया और देश के नाम के साथ साथ अपने गांव का काम ऐसे मुकाम पर पहुंचाया रुड़की का कि आज लोगों का उत्साह और जोश अलग दिखा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने आज खेलों में अपनी जगह बना रखी, आने वाले समय में और ज़्यादा मेडल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटियां इंटरनेशनल लेवल पर लाने का काम करेंगी। मैं तो 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सभी पार्टियों ने कमर कसी, कुछ ऐसी बातें हैं अगर आप सीएम होते तो पूरी हो जाती इस टेन्योर में? नहीं, मैं तो डिप्टी सीएम होकर भी सारी पूरी करी है। अगर आप सीएम होते आज महिलाओं को 50% हिस्सा देने का बात थी वो क्या पूरी नहीं हुई? आज पेंशन में बढ़ोतरी हुई, हाँ जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत जहाँ पहुँचनी चाहिए थी उसको हम नहीं पहुँचा पाए, मगर अभी कौन सी सरकार चलेगी? आज 75% कानून को कानूनी रूप देकर विधानसभा से गवर्नर से अप्रूव कराने का काम क्या हमने नहीं किया? और हर रोज़ नई चीज़ आती है और नई चीज़ों को टेकअप करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है घोषणा पत्र में नहीं थी, वो भी हमने पूरी करवाई और डिस्कशन से कराई और दोनों पार्टियों ने मिलकर बड़े अच्छे तरीके से, चलो वो 10 साल राज में थे, अगर संकल्प पूरे करने होते तो तभी कर देते, आज कैसे नींद उठी? और ये यात्राएं तो आती जाती रहती है, किस विषय पर यात्रा चल रही है? भारत तो आज भी अखंड है, डेमोक्रेसी है, वोट के अधिकार से हम अपना नेता चुनते हैं और वो नेता देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनते हैं, उसको भी और जोड़ने की ज़रूरत है तो मुझे लगता है ये तो चिंतन की बात है। आज जोड़ने की ज़रूरत है तो कांग्रेसियों को जोड़ने की ज़रूरत है, राहुल गांधी जी को उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। एयरपोर्ट बन रहा है और एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाया जा रहा है, 1.5 साल में उसका रनवे का निर्माण कार्य 99% पूरा हो चुका और मार्च के तक हमारा टारगेट है कि रनवे लाइट्स बन जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब बनेगा ये तो जब वहाँ जहाज उतरेंगे, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरनेशनल डिमांड आएगी, तब बनेगा। तो कई विषयों पर विस्तार से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है और खासकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, भूपेंद्र हुड्डा को घेरा और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जानकारी मिल पा रही थी कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा झटका दिया हरियाणा सरकार को, तो उस पर भी प्रतिक्रिया दी है और यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट फिलहाल भरेगी।